दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, ठीक है। जो कि आप सभी को पता होगा कि एग्जामिनेशन से पहले मार्केट में टॉप 10 क्वेश्चन आती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को चाहिए होता है। तो चलिए क्यों ना वीडियो ही बना के सबको बता दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हर किसी को भेजना पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन वीडियो बनाने में तो मेरा ही फायदा है, तो मैं वीडियो ही बना देती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है नंबर क्वेश्चन पहला। सो डैट देयर इज़ नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3। मतलब आप लोग को प्रूफ करना है कि जो हम लोगों का 3 है ना, 3, सो डैट देयर नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3, मतलब रूट 3 जो आप लोगों को प्रूफ करना होता था ना, जैसे आप लोग जूनियर क्लासेस में करते होंगे, प्रूफ डैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और जो बिहार बोर्ड से होंगे वो सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये प्रूफ करना होगा, सिद्ध करें रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या प्रूफ डैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे करते थे ना, सेम टू सेम वही प्रूफ करना है, यही वही प्रूफ है, कुछ भी अंतर नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूफ डैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्प्लीट। क्या प्रूफ करना है, जो रेशनल नंबर का सेट होता है ना वो कम्प्लीट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं या फिर उसको बना भी सकते हैं। ऐसे आप लोगों को इस टाइप के जो पहला नंबर क्वेश्चन आता है ये आएगा, नहीं तो काउंटर थ्योरी आएगा, नहीं तो डेडिकाइन थ्योरी आएगा, यही सब है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि रियल एनालिसिस का 2 क्वेश्चन आप लोग कम से कम कीजिएगा, इनफाइनाइट सीरीज का भी 2 कीजिएगा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी 2 कीजिएगा। अब रियल एनालिसिस में 2 कौन कौन कीजिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो सजेस्ट कर दूंगी, उस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। ऐसी नहीं बोल सकता है कोई कि किसे गैस की गारंटी मैं लेती हूँ, मतलब कि टॉपिक से बाहर तो नहीं आएगा अगर आप लोग, मतलब कि अच्छा छोड़िए, मैं वीडियो आप लोग का लिंक डाल दूंगी, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूफ डेट अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस टेंड्स टू इट्स लीस्ट अवर बाउंड। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड है, बहुत सारा वीडियो मैं बनाई हुई उसमें ये सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल फाइनेटली एट अ फाइनाइट एट अ पॉइंट देन प्रूव डैट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी वीडियो भी कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोगों को कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है। लेकिन मतलब कहने का है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% मतलब मस्ट लगा हुआ ना, तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो ये प्रूफ है, ये प्रूफ भी मैं आप लोगों को करवाई हुई हूँ। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों का एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके बारे में बताना है कि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे या नहीं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, आप लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कहाँ पर है, मैं ग्रुप बी में आ गई, नहीं ग्रुप ए में, ये तो ये जो हम लोग का फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कंटिन्यूअस का एक ही तरीका है, आप लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एच से, फिर राइट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच से राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर तीनों आपस में बराबर है तो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग का क्या, स्टेट एंड प्रूफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड प्रूफ रॉल्स थ्योरम, तो रॉल्स थ्योरम थोड़ा सा आप चांस कम है कि इस बार आए क्योंकि 21 में ही पूछा था, तो 2 साल लगातार नहीं पूछ सकता ना, इसलिए रॉल्स थ्योरम का चांसेस कम है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर क्या है, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंज थ्योरम, तो ये तो आप लोगों को आएगा ही और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, तो ये आप लोगों का रॉल्स थ्योरम से क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मेरे हिसाब से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और टेलर थ्योरम और एक और कोई थ्योरम है, हाँ, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ये 3 थ्योरम कीजिए, इसके अलावा कोई भी थ्योरम करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप लोग सिर्फ ये 3 थ्योरम कर लेते हैं ना और थोड़ा लिमिट कंटिन्यूटी के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये जान जाएंगे, तो आप लोगों को रियल एनालिसिस में सारा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं 3 क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन 2 तो बन ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ग्रुप बी में जितने भी टेस्ट है ना सारा टेस्ट का प्रूफ आप लोगों को याद करना है, ठीक है, और बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले मुझे खुद हार्ड लगता था लेकिन उसके बाद जब मैं उसको याद की, मतलब उसको पढ़ी ध्यान से, उसके बाद मुझे खुद आसान लगने लगा। तो आप लोग को भी मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उस थ्योरम को देखिए एक बार ध्यान से,
मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, आप लोग उसको ध्यान से सारा थ्योरम देखिए। ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ थ्योरम है, 3-4 पेज में इसका प्रूफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग उसको देखिएगा ना, तो सारा थ्योरम का प्रोसेस एक ही है। पहले स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट में पहला लाइन फिक्स लिखना है, इफ समेशन ऑफ यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी। और सभी में अलग अलग है, जैसे आप लोग रैप टेस्ट में कुछ और है, कॉची कंडन रैप टेस्ट में कुछ और है, डीएल लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट में कुछ और है, लॉगरिथमिक टेस्ट में कुछ और है, डी मॉर्गन एंड बटन टेस्ट में कुछ और है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और याद करना भी सब बहुत आसान है, आप लोगों को हार्ड लगता है ना, मैं एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे हम लोगों का पहले क्या आता है, रेशियो टेस्ट, तो देखिए याद करना कैसे आसान है। सो देखिए पहले आप लोगों को, देखिए पहले रेशियो टेस्ट आता है, तो रेशियो में तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ, कहीं आप लोगों को हेल्प मिल जाए। ऊपर से तो इधर बगल में तो ये काहे गाना बजा रहा है, तो आप लोगों को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग आता है रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट मतलब डिवाइड, रेशियो मतलब आप लोगों को पता है, ये रेशियो मतलब डिवाइड, तो ये होता है आप लोग का रेशियो टेस्ट, ठीक है, ये रेशियो टेस्ट होता है। इसके बाद आता है रेशियो टेस्ट अगर फेल करता है तो आप लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, रेप टेस्ट लगाते हैं। तो देखिए, और रेशियो टेस्ट फेल कब करता है, इक्वल टू वन पे करता है ना, तो ये इक्वल टू उधर रहता है तो राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आइएगा, तो क्या हो जाएगा, यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन, इतना हो गया। अगर रेप टेस्ट है तो रेप टेस्ट है तो कुछ तो चेंज होगा, तो बस कुछ नहीं, इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है आप लोगों का, पहले तो हम लोग लगाते हैं रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट फेल किया तो रेप टेस्ट लगाया, रेप टेस्ट फेल करेगा तो हम लोग लगाते हैं डी मॉर्गन एंड बटन टेस्ट, तो कुछ नहीं करना है, ये टर्म है इसमें फिर से आप लोग माइनस वन कर दीजिए, कर दिए, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन पे फेल कर रहा है ना तो इक्वल टू वन होगा, और वन पे फेल कर रहा है तो उसको राइट साइड से इक्वल टू, अगर इक्वल के उधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर माइनस वन ले आएंगे, और इसमें और ये डी मॉर्गन एंड वाट एंड टेस्ट है तो कुछ तो चेंज होगा, तो इसमें लॉग एन से मल्टीप्लाई होता है, तो बस इतना याद रखना है, तो इसमें लॉग एन से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है बस। और जितने भी टेस्ट है ना आप लोगों का पढ़ना, सब में आप लोग का ग्रेटर देन वन है, एक दो एक्सेप्शन है मैं बताऊँगी, एक दो में अलग है वो बता दूँगी, टेंशन मत लीजिए। ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल करता है, ठीक है। बस एक कॉची रूट टेस्ट है, कॉची उसका उसका जो बोलते हैं ना स्टेट, क्या बोलते हैं वो जो फंक्शन होता है, यू एन के पावर वन बाई एन, वो भी अलग टाइप का आता है, तो इसमें बस कॉची रूट टेस्ट में उल्टा होता है, बाकी सब में आप लोगों को एक ही हिसाब से काम करना है, आप लोगों का काम हो जाएगा। बस आप लोग कुछ नहीं, आप लोग का जो भी नोट्स है, अगर मेरे से नोट्स खरीदे तो उस नोट्स को ध्यान से थोड़ा सा उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और खोल के देखिए, सारा टेस्ट का प्रूफ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बस एक दो टेस्ट है, जैसे गॉस टेस्ट है उसमें थोड़ा अलग टाइप का है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है उसमें अलग टाइप का है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है, बाकी सब में सेम है, सब में ज़्यादातर में यही ऑक्सिलियरी सीरीज मान के उसको कंपैरिजन टेस्ट वगैरह सब लगा कर प्रूफ करना है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो फिर आप लोगों को हल्का लगने लगेगा, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और उसके बाद एक जो सॉल्व करने वाला है ना, तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, अगर एक्स आएगा तो आप लोग रेशियो टेस्ट से चालू कीजिएगा बनाना, ठीक है। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें एक्स दिखेगा तो रेशियो टेस्ट लगाइएगा, फिर रेशियो टेस्ट पक्का फेल करेगा, ठीक है, फिक्स है कि से फेल करेगा, तो रेशियो टेस्ट फेल करेगा तो फिर आप लोग लगाइएगा रेप टेस्ट, रेप टेस्ट फेल करेगा तो मॉर्गन एंड बटन टेस्ट, और डी मॉर्गन एंड बटन टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों का वो क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर एक अगर लॉग वाला क्वेश्चन आएगा तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट होता है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, किसी लॉग कैसे हम लोग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के क्वेश्चन को कुछ देख लीजिएगा दो तीन, तो कॉची लॉग वाला क्वेश्चन आएगा तो उस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। और थ्योरम मैं जो भी बताई, जैसे गॉस टेस्ट हो गया, रैप टेस्ट हो गया, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हो गया, और 2021 में जो आया हुआ है उसको स्किप कर दीजिएगा, एक बार 2021 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और डी मॉर्गन एंड बटन टेस्ट हो गया, जो भी टेस्ट है उस टेस्ट को अच्छे से एक बार देख लेना है, और जो भी आप लोग डिसाइड मतलब कि जब टेस्ट को देख लेंगे तो बिना देखे भी बनाइएगा, ताकि लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये आप लोगों का ग्रुप बी था। फिर आप लोग का आता है ग्रुप सी, तो ग्रुप सी में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लैग्रेंज थ्योरम जो कर ही लेना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलता है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ना वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, बस यही है, प्रूफ करना है इसका। फिर एक और ग्रुप सी में आप लोग को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कर्नल हो गया, होमोमोर्फ कर्नल हो गया, होमोमोर्फिज्म हो गया, बहुत कुछ उसमें पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट जनरल में, तो सब कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस 8 और 9 नंबर क्वेश्चन को, पूरे 5 साल का क्वेश्चन जो है ना, पूरे 5 साल का मैं एक वीडियो बनाई हुई जिसमें पूरे 5 साल का 8 और 9 बस ये दो क्वेश्चन बता दी हुई हो, ताकि आप लोग एक वीडियो को देख के अपनी तैयारी को पूरी कर लीजिएगा, बस उस वीडियो को देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट जनरल से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज का सजेशन मैं दे ही दी हूँ, रियल एनालिसिस का दे ही दी हूँ, दो 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 तीनों में उससे बना लेना है, 6 क्वेश्चन बन जाएगा,
पूरा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। मतलब कि और मतलब दुनियादारी कहने का मतलब है कोई भी स्टूडेंट मतलब कि पूरा जो भी भर दिन पूरा पढ़ता होगा भर दिन भर रात, तो वो पूरा पढ़ के ऐसे भी तो पूरा बनाना है, नहीं तो पूरा क्यों पढ़ना है। ऐसे ही पढ़िए कि ताकि एग्जामिनेशन में पास कर जाए, अगर मतलब कि अच्छे नंबर से पास कर जाए, सिर्फ पास ही नहीं। और नॉलेज के लिए तो पढ़ रहे होंगे तो फिर ये वीडियो देखने का नौबत नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर भी आए और हम लोगों को कम भी पढ़ना पड़े, तो कम पढ़ना है तो बस एक ही उपाय है कि इनफाइनाइट सेज का जो भी टेस्ट है, जो भी अभी तक पूछा हुआ है, उस टेस्ट को देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत ही ईजी है, आप लोग बस समझने की कोशिश कीजिए, बिना देखे बनाइए, वो आप लोगों से बनेगा। पहले सबको हार्ड लगता है और यही सोच सोच के सब छोड़ता रहता है, लेकिन अगर आप लोग उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वो आसान लगने लगता है। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, उसके बाद बता रही हूँ ये बात, ऐसी कोई इधर से उधर से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और मैं रियल एनालिसिस में बोली हूँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम और एक थ्योरम और क्या है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, बस ये तीन थ्योरम करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन पूरे 5 साल का मैं एक वीडियो बनाई हूँ, उसको देखिए और बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में लैग्रेंज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देंगे पेपर 3 का, और पेपर 3 का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट PhD करना चाहते हैं मतलब कि बहुत सारा पढ़ना उनको लिए मैं बता देती हूँ। देखिए अच्छा ये दूसरा है, हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ऐसे रिंग चैप्टर भी बहुत ही आसान है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को हार्ड लगता होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मुझे पता है किसको क्या हार्ड लगता है ना वो मुझे पता रहता है क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ ना, ठीक है। तो बस यही कहना था इस वीडियो में कि ये कर लीजिए, काम ख़त्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केट वाला है, दिखा दी हूँ, जिनको खरीदना है, खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। सोल्यूशन चाहिए होगा टॉप 10 क्वेश्चन का, ठीक है। ये जो सारा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं VVI क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो भी कहिए इसको, अगर सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोग को इसका सोल्यूशन PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम ID है @SupriyaEducationHub01, ठीक है। और आप लोग मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगी मैसेज करें, बस 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई करूं, ऊपर नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, लेकिन अगर जैसे वीडियो बनाती रहूंगी तो मोबाइल एरोप्लेन मोड पर रहेगा तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं रिप्लाई करूंगी, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, बाय।